नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को समझा कर टीका लगाने के लिए प्रेरित करने की बात कही। आज धार जिले के गंदवानी नगर में 18 प्लस के वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी, युवाओं में उससे भी दोगुना उत्साह नजर आया। नगर के युवाओं ने आज पहले दिन वैक्सीन लगवाने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ कारणवश हमारे क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रांतियां फैल गई हैं, जिसे युवाओं को आगे आकर दूर करना होगा। वैक्सीनेशन के पश्चात मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के सदस्यों ने क्या कहा, देखिए। कोरोना महामारी से देश को बचाना है, कोरोना को हराना है। मैं राखी मित्तल, मानव अधिकार अपराध नियंत्रण संगठन गंधवानी तहसील अध्यक्ष, सभी युवाओं और जनता से निवेदन करती हूँ कि कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगाएं। वो इसको लगाने के लिए प्रेरित करें, यह पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी भ्रम में न रहे। जीतेगा देश तो हारेगा कोरोना, इसलिए आप टीका जरूर लगाएं। धन्यवाद। भाइयों नमस्कार, मैं मयंक खंडेलवाल, मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन जिला उपाध्यक्ष धार। आज मैंने 18 प्लस वैक्सीनेशन के प्रथम चरण का पहला डोज लगाया है और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ देश के समाज के युवाओं से कि वैक्सीनेशन को लेकर जो उनके बीच में भ्रांतियाँ फैली है वो आधारहीन है और इस तरह किसी भी भ्रांतियों में ना आए। वैक्सीन पूर्णतः सेफ और सुरक्षित है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराएं।